हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। गाइस ऐसा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो। गाइस अगर बढ़िया नहीं तो इस वीडियो को देख के बढ़े होने वाले हो। गाइस क्या आपके पास रेडमी का नोट 7 प्रो मोबाइल है और आपको बैटरी इशू ज़्यादा आ रहा है, तो इस वीडियो को गाइस एंड शुरू से लेकर एंड तक देखना। और गाइस आपका बैटरी इशू बिल्कुल फिक्स होने वाला है। उससे पहले गाइस आपको बता दूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और मोबाइल से रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। 7 प्रो में और कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ एंड हर बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइस अगर आपको मोबाइल से रिगार्डिंग मुझसे कोई पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी इसी में बता देते, जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो करो और आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपके पास रेडमी का नोट 7 प्रो मोबाइल है और आपको यहाँ पर बैटरी डाउन इशू बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो गाइस यहाँ पर कैसे फिक्स कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो फुल वॉच करना, तभी आपका बैटरी डाउन इशू आ रहा है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। गाइस और कुछ बंदे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ, तो गाइस आपको क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। और गाइस यहाँ पर आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग को बता दूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग को अपने मोबाइल में कर लेना है, जिससे गाइस आपका बैटरी बैकअप पहले से इंक्रीज हो जाएगा और दोगुना बैटरी बैकअप हो जाएगा। तो चलिए गाइस आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हेलो गाइस, तो देख सकते हो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चुका हूँ। गाइस यहाँ पर अगर आपके पास रेडमी नोट 7 प्रो मोबाइल है, तो गाइस यहाँ पर अगर आपको बैटरी इशू ज़्यादा आ रहा है, बैटरी डाउन जल्दी हो जाती है, तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपकी बैटरी बैकअप पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बता देता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर खींचने के बाद वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, गाइस इन तीन चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इन्हें हर टाइम ऑफ करके रखना है। गाइस कभी कभी वाईफाई और ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तो इसे आपको सेटिंग में जाकर अंदर से डिसेबल कर देना ताकि ऑन ना हो। और गाइस आपका मोबाइल का डाटा, गाइस इसे भी आपको मोबाइल के डाटा को भी ऑफ करके रखना हर टाइम, जब आपको इंटरनेट चलाने की जरूरत है तभी यहाँ पर मोबाइल के डाटा को ऑन करो वरना ऑफ करके रखो। तो गाइस यहाँ पर मैंने एरोप्लेन मोड लगा दिया ताकि कोई मैसेज या कॉल वगैरह ना आए, आपको डिस्टर्ब ना करूँ मैं, इसलिए गाइस आपको यहाँ पर प्रॉपरली सेटिंग बता देता हूँ। तो गाइस अगर आपके पास रेडमी नोट 7 प्रो मोबाइल और आपको बैटरी इशू ज़्यादा आ रहा है, तो गाइस अब आपको मैं सेटिंग बताने वाला हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेनी है। गाइस आपको जो मैं वही सेटिंग बताऊंगा जो आपके मोबाइल में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाना है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी बैटरी को ऑप्टोमाइज कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पर लिखा रहा है स्कैनिंग, यहीं पर आपको बैटरी ऑप्टोमाइज देख सकते हो गाइस ऑप्टोमाइज का ऑप्शन आ गया, इसी पर आपको ऑप्टोमाइज कर लेना है। गाइस यहाँ पर आप बैटरी को पर डे यहाँ पर एक दिन में एक बार तो पर डे ऑप्टोमाइज कर लिया करो। गाइस यहाँ पर कुछ टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है और आपकी बैटरी ऑप्टोमाइज हो जाती है। देख सकते हो गाइस बैटरी ऑप्टोमाइज हो गई। अब गाइस देख सकते हो क्लीनर, तो गाइस यहाँ पर आप क्लीनर भी कर लिया करो, इससे गाइस क्या होता है आपके जो बग फाइल वगैरह एप्लीकेशन में बग होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं और गाइस आपकी बैटरी बैकअप है पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो आपके गाइस यहाँ पर फाइल में बग वगैरह आ जाते हैं वो आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा ड्रेन करते हैं, तो इससे गाइस आप क्लीन करके रखा करो। मैं स्टॉप करता हूँ, आपको फुल क्लीन कर लेना है। एंड गाइस देख सकते हो मैं क्लीन कर लेता हूँ। करने के बाद गाइस आपको बैक आना। गाइस यहाँ पर अब मैं आपको सेटिंग में लेके चलता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग को फुल देखना है। तो गाइस सबसे पहले आप सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना। नीचे आने के बाद गाइस आपको जाना ऐप्स में, तो देख सकते हो गाइस जैसे मैं ऐप्स में आया आपको जाना मैनेज ऐप में। मैनेज ऐप में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है एस बाई। तो गाइस सेटिंग को ध्यान से देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो गाइस देख सकते हो मैंने जैसे सेटिंग को स्किप एस बाई लिखा, आपको सबसे पहले गाइस यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा देना, सिस्टम यूआई एंड सिस्टम लॉन्चर। तो गाइस सबसे पहले आपको सिस्टम यूआई को क्लियर कैची कर देना है। ये देख सकते हो क्लियर कैची करने के बाद गाइस अब आपको सिस्टम लॉन्चर दिखाई दे रहा है। सिस्टम लॉन्चर को आपको क्लियर कैची करके क्लियर डाटा भी कर देना है। देख सकते हो गाइस क्लियर कैची करके आपको सिस्टम लॉन्चर को क्लियर डाटा भी कर देना है, ऑल डाटा करने के बाद गाइस यहाँ पर बैक आना। तो कुछ लोगों का गाइस यहाँ पर सवाल होता कि क्लियर डाटा करने से कोई डाटा तो नहीं कट जाएगा, तो सबसे पहले गाइस आपको बता दूं आपका मोबाइल के एप्लीकेशन है इधर उधर सेट हो जाएंगे, बट कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डाटा नहीं कटेगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस मैं आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करवा रहा हूँ, कोई आपको जो जेन्युइन ट्रिक है वही बता रहा हूँ, कोई भी आपका डाटा या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस आपकी कोई भी। अब आपको गाइस क्या करना है, सेटिंग को एक बहुत ही बेहतरीन सेटिंग बताने वाला हूँ। गाइस आपको सेटिंग को ध्यान से देखना है। तो गाइस आपको सेटिंग में दोबारा से जाना, आपको जाना गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस का, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइस बैटरी सेवर का यूज करना है। गाइस आपने देखा होगा आपका जो 20% मोबाइल की बैटरी रह जाती है तो ऑटोमेटिक बैटरी सेवर ऑन हो जाता है, तो गाइस यहाँ पर आपकी बैटरी को सेव करता है 20% के बाद। अगर गाइस यहाँ पर आप अगर आपका मोबाइल 100% चार्ज है और आप बैटरी सेवर का यूज करोगे तो गाइस आपकी पावर को सेव करके रखेगा 100% से ही। तो गाइस इसे आप यूज करके देखो और ट्राई करो। करने के बाद गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है अल्ट्रा बैटरी सेवर, अगर आपको इसे नहीं पता तो गाइस आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, वैसे मैंने हर वीडियो में बता दिया है अल्ट्रा बैटरी का सेवर आप जब यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको गाइस यहाँ पर आपके पास चार्ज नहीं है, आप कहीं फंसे हुए हो या कहीं जा रहे हो, आपके पास मतलब चार्ज नहीं है गाइस और आपको बैटरी चलानी है 2-3 दिन, तो गाइस आप कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेजिंग वगैरह के लिए अल्ट्रा बैटरी सेवर का यूज कर सकते हैं। आपके पूरे बैकग्राउंड के एप्लीकेशन को या पूरे बैकग्राउंड को बंद कर देता है इसे इनेबल करने से, तो आपका बैटरी बैकअप है 2-3 दिन चल जाता है आराम से।
गैस जैसे हम नीचे आएंगे गैस देख सकते हो हमारी बैटरी क्यों ड्रेन होती है, तो गैस देख सकते हो हमारी स्क्रीन बैटरी खा रही, यूट्यूब एंड्रॉयड सिस्टम फेसबुक गैस यहाँ पर सारे एप्लीकेशन बैटरी को खा रहे हैं। तो गैस इसे रोकने के लिए आपको क्या करना गैस, आप क्या गैस कभी कभी क्या होता है आप कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करते फिर भी वो बैटरी को खा रहे हैं, तो इसके लिए गैस आपको सेटिंग का लोगो दिखा दे रहा है इस पर आपको टैप करना है। इसके लिए गैस आपको ये ऐप बैटरी सेवर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको टैप करना है। गैस सेटिंग को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ ये वाली। तो गैस देख सकते हो आपको एक एक करके एप्लीकेशन में जाना है और रिस्ट्रैक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है, एक एक करके सारे एप्लीकेशन को गैस यहाँ पर सॉरी गैस ऐप बैटरी सेवर में जाने के बाद गैस आपको एक एक करके सारे एप्लीकेशन रिस्ट्रैक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर क्लिक कर देने हैं। गैस देख सकते हो जैसे मैंने सारे एप्लीकेशन आपके सामने रिस्ट्रैक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देख सकते हो गैस आपको भी ऐसे ही करके रिस्ट्रैक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है। अब गैस यहाँ पर आपको बता देता हूँ इससे क्या होता है, गैस आपके बैकग्राउंड में ये रन करना बंद कर देते हैं जिससे आपकी मोबाइल की बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा सेव होती है, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होने से बचती है। गैस आपने देखा होगा आपकी बैटरी जो आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं वो भी आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। अगर गैस अगर आप एप्लीकेशन को रिस्ट्रैक्ट मोड पर डाल दोगे तो गैस आपका मोबाइल में बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन नहीं करेगा जिससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। गैस जब आप कोई एप्लीकेशन यूज करोगे तभी वो बैकग्राउंड में रन करेगा, वही एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करेगा और कोई एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। जो गैस आप एप्लीकेशन को यूज़ करोगे वही आपकी बैटरी खाएगा, जब तक यूज़ करोगे तभी तक बैटरी खाएगा, जब आप यूज़ नहीं करोगे तो आपकी बैटरी नहीं खाएगा वो एप्लीकेशन। तो गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसे करके देखो और आपकी फालतू की बैटरी ड्रेन नहीं होगी। करने के बाद गैस यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कैचे बैन डिवाइस इज लॉक्ड सेकंड नंबर पर, तो गैस इस पर आपको टैप करना है। तो गैस अगर आप एक हैवी गेमर हैं और गेमिंग की वजह से आपकी बैटरी ड्रेन होती है तो आप इन 10 मिनट कर सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल गेमर हैं या गेम नहीं खेलते हैं फिर भी आपकी बैटरी ड्रेन होती है तो गैस इन 30 मिनट कर सकते हैं। इससे गैस क्या होता है आपका मोबाइल हीट वगैरह होता है और आप गैस एक तरह से बैटरी ऑप्टिमाइज करता है ये फीचर, अगर आप 10 मिनट कर दोगे तो हर 10 मिनट बाद आपकी बैटरी आपका मोबाइल खुद ऑप्टिमाइज करेगा अपनी बैटरी को, तो इससे गैस आपकी बैटरी क्लीन रहती है और आपकी बैटरी बैकअप पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और आपकी बैटरी हीट भी नहीं होती है इसे करने से। एंड गैस आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें बैटरी सेवर का तीसरे नंबर पर, गैस इस पर आपको टैप करना है। तो गैस यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको डोंट वीक स्क्रीन ऑफ फॉर नोटिफिकेशन, गैस आपका वैसे इनेबल होगा आपको डिसेबल करके रखना है। इससे गैस क्या होता है आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो ये आपकी स्क्रीन है ऑन ऑफ होती रहती होगी, तो गैस इसे अगर आप डिसेबल कर देंगे तो आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको साउंड सुनाई देगा और आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ नहीं होगी जिससे आपकी बैटरी बैकअप पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। गैस सेटिंग को करके देखो स्टेप बाय स्टेप और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गैस अगर आपने ऐप बैटरी सेवर कर लिया है गैस, यहाँ पर कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है ऐप बैटरी सेवर्स करने से या फिर रिस्ट्रैक्ट बैकग्राउंड डालने से कोई किसी का डाटा वगैरह तो नहीं कटता, तो गैस यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ रिस्ट्रैक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी से कोई आपका डाटा नहीं कटता। यहाँ पर इस सेटिंग से गैस क्या होता है जैसे कि गैस मान लो इस सेटिंग को करने से गैस आपका बैकग्राउंड में रन करना एप्लीकेशन बंद हो जाता है जिससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होती है, जब आप एप्लीकेशन यूज करते हो तभी वो बैकग्राउंड में रन करता है और आपके कोई नोटिफिकेशन या कोई डाटा नहीं कटेगा, जैसे नोटिफिकेशन पहले आती थी वैसे ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गैस ऐसे करने के बाद गैस यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक नॉर्मल सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि मान लो गैस कोई एप्लीकेशन आपको लोड ज़्यादा लगता है, कोई गेम वगैरह का एप्लीकेशन है आपको लगता है डिले लेके खुल रहा है, तो उस एप्लीकेशन का आप क्लियर कैसे कर सकते हैं। जैसे गैस मान लो मैं एक एप्लीकेशन लेता हूँ ऐप इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ एंड क्लियर डाटा पर जाने क्लियर कैसे कर देता हूँ, गैस देख सकते हैं अभी हमारी स्टोरेज 441 MB भरी हुई है, क्लियर कैसे करने के बाद गैस कुछ कम हो जाती है, देख सकते हो गैस ऐसे ही आपको अगर लगता है डिले लेके खुल रहा है तो उसका एप्लीकेशन का क्लियर कैसे कर सकते हो, तो गैस आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो गैस आपको सेटिंग कैसी लगी, सेटिंग अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर गैस पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच गैस, आज की वीडियो में बस इतना ही।